दो दो एक साथ फोटो खींचे, यहाँ से फोटो खींचे, दोनों को एक साथ कैप्चर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर द वे ऑफ लाइफ। मैं हूँ प्रीत तिवारी और मैं आप सबके साथ लेकर के आई हूँ जूलॉजिकल नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। उसकी एक मैं एक ब्रीफ कह लीजिए या डिटेल कह लीजिए वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप क्या क्या देख सकते हैं नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में, जो कि उड़ीसा के नंदन कानन प्लेस में है। ये एक बहुत ही पुराना पार्क है, कह सकते हैं आप चिड़ियाघर है, जिसमें आपको रेप्टाइल्स भी मिलेंगे और घड़ियाल वगैरह दिख जाएंगे, बाघ और चीता भी दिखेंगे और ढेर सारी चिड़ियों का भी आपको वो दिखेगा, हाथी दिखेंगी, मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब दिख जाएंगे आपको। और ये बहुत ही बड़ा पार्क है, इसको घूमने के लिए अप्रॉक्स आपको 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, जिससे कि आप, हम लोग तो करीब 1.5 घंटे का समय था, भाग भाग करके दौड़े हैं और घूमे इस जगह को। लेकिन वाकई घूमने लायक जगह है और सारे जीव जंतुओं को आप लाइव देखेंगे और उनकी एक्टिविटी देखेंगे, उनको मूव करते हुए देखेंगे। तो हमारी टूर स्टार्ट होती है, हम उड़ीसा गए हुए थे 4 डेज एंड 3 नाइट का हमारा टूर प्लान था। तो लास्ट डे में हमारा जो टूर पैकेज था वो नंदन कानन के लिए था। तो ये खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम अपने टूर गाइड की गाइड के थ्रू नंदन कानन पार्क पहुँचते हैं। हम लोग को करीब 2-2.5 बजे तक पहुँचना था, बट हमको पहुँचते पहुँचते 4 बज गया था। और कहते हैं कि 4 बजे लास्ट एंट्री होती है नंदन कानन में, तो किसी तरह भागम भागी में हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, जो कि एक बहुत ही बड़ा चिड़ियाघर है उड़ीसा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे मेले लगे हुए हैं, बलून्स, खाने पीने की चीज़ें, ये बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अंदर में आपको ओपन जिप्सीज भी मिलेंगी, जिसके थ्रू अगर आप उतना चल नहीं सकते हो तो आप उन ओपन जिप्सीज के थ्रू देख सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप पैदल ही जाओ, उससे आप थोड़ा जगह जगह पर रुक करके भी चीज़ों का मज़ा ले सकते हो। जैसे हमने चीता देखा, तो वो उसको कुछ कच्चा मांस दिया गया था खाने के लिए, तो वो कैसे खा रहा था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे थे जो चल रहे थे, उनको देखा हम लोगों ने, ब्लैक बियर्स देखे और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको दिखाऊँगी आगे क्या क्या देखा मैंने, उसकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की है। सबसे हैक्टिक चीज़ जो थी यहाँ पे वो थी ये लाइन इतनी लंबी थी गाइस कि मैं बता नहीं सकती हूँ। थैंक्स टू हमारे टूर गाइड की, टूर गाइड ने ही सारे जितने भी पैसेंजर थे, टूरिस्ट थे हम लोग एक बस में, उनकी सारी की टिकट एक साथ ही करा ली थी। तो हम लोगों को बस क्यू में लगना था, लाइन में लग करके, जैसे कि ये हमारे सारे साथ के लोग हैं, तो हम सब साथ में अंदर चले गए गेट से। फिर वो हमारा टिकट लेके आए और हम लोगों को टिकट्स दे दी। फिर हम लोग अपने टिकट्स लेकर के फिर एंट्री करा करके चेक इन किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद अब घूमना स्टार्ट कर दिया था। ये हम लोग अंदर आ गए हैं, ये हैं हमारे पति देव मेरे साथ और ये सारी आंटीज लोग हैं जो मुझे घूर रही हैं कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। कुछ लोगों ने तो आकर के मेरे से पूछा भी कि आप हर जगह वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, तो
जैसा कि आपको तो पता ही है कि मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही थी। सो लेट्स गो। ये एंट्री पे ही एक बड़ा सा फाउंटेन था नंदन कानन पार्क में, चले जा रहे हैं आप। बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे अंदर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा एक्चुअली फ़ोन उतना अच्छा नहीं है तो ये वीडियो की क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी आप लोगों को, बट वाकई देखने में तो बहुत ही प्यारा है अंदर से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है नंदन कानन पार्क। ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। चलो हाथी हाथी चिंगारता है। भालू को दिन में बुखार होता फेवर, जब रात हो जाए फेवर छोड़ा, सारा दिन जोर है रात भर जोर छे। ये हमारे पहाड़िया भालू बा देसी भालू, इंग्रेजी में स्लो दिया हिमालयन ब्लॉक में मोटा वाला। आगे आगे भैया बच्चा रहिए। आप सब देख रहे हैं जान भी रहे सोया है। ये तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे अनेकों प्रकार के यूट्यूबर यूट्यूबर्स की चिड़िया। आप ब्लॉग बना रहे हो? नहीं नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। जस्ट फॉर मेमोरी। आप ऐसे ये वीडियो कर रहे हैं ना, ब्लॉग बना रहे हैं? जस्ट फॉर मेमोरी। खेल रहे हैं कि लड़ रहे हैं? उधर से आएगा पार्वन जो है।
ठीक है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ओह, वो भालू पेड़ के ऊपर चढ़ा है। अरे बाप रे, कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ा है? चलिए जैसे सोचते हुए छोटी सी ये बिल्ली है या क्या है? ये तेंदुआ है, तेंदुआ का बच्चा दिख रहा है? आप फोटो खींचे तेंदुआ का बच्चा दिख रहा है? हाँ, अच्छा बिल्ली की तरह है, लेपर्ड कैट, बिल्ली वाला चीता मतलब कह लीजिए। यहाँ से नहीं दिख रही है, दिख रही है हल्की से। एडॉप्शन ऑफ व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर लिख रहा है अभी, वही वाला है उस साइड है। हाँ, व्हाइट टाइगर दिखा क्या? नहीं नहीं, ओ हाँ दिखा, वाओ पेड़ के एक बगल में आ गया। हाँ, वो दूसरा वाला दिख रहा होगा ना उसको, अभी अभी आगे बढ़ी। व्हाट अ रॉयल मोमेंट। अभी सारे टर्न लेने ही, लंबा वॉक करेगी। नहीं दिख रहा था अच्छे से, ऐसे दिखाई दे रहा है बट इसमें कैमरा को नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, पॉइंट जूम होके नहीं सामने आ रहा। उधर भी कुछ अभी ग्रुप है क्या हम लोग? उधर चलिए, चाहे तो मुझे आ सकते हैं। कोई नहीं, इधर देखते हुए चलते हैं।
बहुत अच्छे से कैप्चर हुआ व्हाइट टाइगर एशियाटिक लायन लेपर्ड और ठीक है प्लीज बी सेफ हाँ गया ना तो आ गई है वाओ ये देखिए कितना अच्छे से बैठा है और क्या फोटो खींचे प्लीज जूम करके चलिए अंदर सिर दिख रहा है कितना और फिर नीचे झुका ली ओ गॉड कैसे कूद के गई है जैसे लगा है कि दुपट्टा मारने जा रही हूँ रुकी रुकी बहुत अच्छे से वॉक कर रही है कितने अच्छे से वॉक कर रही है आओ यार आगे आओ आगे आओ हम लोग हैं ना इतने टुकड़े बाप रे ये फोटो खींचे ना प्लीज फोटो खींचे फोटो बहुत अच्छी फोटो आएगी बैठ गए नहीं खींच पाए खींचे मेरे सवाल ग्रुप हमारा ग्रुप आगे आगे भागा जा रहा है और हम उसको पकड़ने में असमर्थ साबित हो रहे हैं बस टाइगर ही टाइगर है अब कहाँ ओ फिर वो उधर 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 बैठा है ओ कुछ खा रहा है ओ गॉड खा रहे आप जूम करके बोलोगे खाना खा रहा है उसको खाते देखते मुझे गिन आ गया यहाँ भी खा रहा है सर यहाँ तो और अच्छे से दो दो एक साथ फोटो खींचे यहाँ से फोटो खींचे दोनों को एक साथ कैप्चर हेलो चले हाँ पापा दूँ आगे ना कौन है कहाँ है हमारा ग्रुप क्या है ना
Eso dar. ¿Cómo anda cantando? ¿Qué? 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 No, ये सब सोए हुए हैं. मैं गंदा स्मेल आ रहा है. हम तो रहते हैं मगर बस. तो दोस्तों, ये था हमारा नंदन कानन उड़ीसा के चिड़ियाघर का एक छोटा सा ब्लॉग. तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और ये था हमारा उड़ीसा का लास्ट डे का ट्रिप. आगे की ट्रिप देखने के लिए प्लीज़ बने रहें, और हमारी इस वीडियो बनाने की कोशिश को प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. प्लीज़ लाइक.